अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग भी छुट्टी जाते हैं और छुट्टी जा कर के न्यू वीज़े पे आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कानून को चेंज किया गया है। अब उनके लिए थोड़ा सा पाबंदी बढ़ा दिया गया है, और वो क्या अपडेट है, जवजात की तरफ से जो अपडेट आया है, जो लोग छुट्टी जाते हैं उनके ऊपर जो रूल लगाया गया है, जो नया अपडेट आया है, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप इस अपडेट को नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए सऊदी अरेबिया आना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो इस वीडियो में बने रहें, वो क्या अपडेट है, वो क्या रूल है, तो वो क्या रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो जवजात की तरफ से चेंज किया गया है, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को फुल देखें और उसके बाद अपने हर एक पॉइंट को समझ ज़रूर लें, ताकि जब भी आप सऊदी अरेबिया से छुट्टी जाएँ तो आप ईजी वे में वापस सऊदी अरेबिया आ सकें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर ले, ताकि सऊदी से जुड़ी और गर्भ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो पहले का कानून था, जिसमें लोग छुट्टी जाते थे और नहीं आ पाते थे, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, चाहे उसको उनका फाइनल एग्जिट वीज़ा री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया हो, या फिर वो खुद ही नहीं आए हो, या फिर किसी वजह से वो फंस गए हों, नहीं आ पाए हों, तो उनके ऊपर जो 3 साल का बैन लगता था, लेकिन उसको अब ख़त्म कर दिया गया। ये बात तो यहाँ पर सभी को पता है। और यहाँ पर जो अपडेट आया है वो है अपडेट जो भी लोग डोमेस्टिक वर्कर में हैं, जो लोग डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं और वो छुट्टी जाते हैं, तो वो छुट्टी जाने के बाद उनके लिए जो कानून है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो वो कानून है, जैसे कि पहले जो डोमेस्टिक वर्कर थे जो छुट्टी जाते थे, तो उनके ऊपर क्या था कि उन जब छुट्टी गए, किसी वजह से वो नहीं आ पाए, उनका री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया, या इवन कफील नहीं, उनका री एंट्री वीज़ा एक्सपायर कर दिया, उसको रिन्यू नहीं किया कि वो दोबारा आ सकें, तो उस कंडीशन में जो है उनको 3 महीने तक वेट करना पड़ता था, क्योंकि 3 महीने तक उनका जो है, 3 महीने के बाद उनका एक कामा जो होता था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता था। लेकिन अब इस चीज़ को जो है चेंज कर दिया गया है। अब जो भी डोमेस्टिक वर्कर यहाँ से छुट्टी जाते हैं, तो वैसे में उस सूरत में अगर वो वर्कर वापस सऊदी अरेबिया आना चाहता है, उसका री एंट्री वीज़ा भी एक्सपायर हो गया है, लेकिन वो तब भी नहीं यहाँ पर आ सकता है, उसको अब 6 महीने तक वहाँ पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने के बाद ही उस बंदे का, उस वर्कर का एकामा को कैंसिल किया जाएगा। जब तक आपका एकामा कैंसिल नहीं होता है, तो आप यहाँ सऊदी अरेबिया वापस नहीं आ सकते हैं। यानी कि अगर आपका छुट्टी भी एक्सपायर हो गया, तो भी आप 6 महीने तक यहाँ नहीं आ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि जो कफील है वो चाहे तो, अगर आपका री एंट्री वीज़ा एक्सपायर भी हो गया है और 1 मंथ हो चुका हो, यानी कि आपका री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो चुका हो और उसको एक्सपायर हुए 1 मंथ हो चुका हो, तो वो कफील आपके री एंट्री वीज़े को अपने अफसर से जो फीस होता है वो पे करके आपके री एंट्री वीज़ा को जो है एक्सटेंड कर सकता है। यानी कि आपका एकामा 6 महीने तक वैलिड है, आपका एकामा कैंसिल नहीं होगा 6 महीने तक, और उस दरमियान वो कफील आपका री एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड कर सकता है, जिस वजह से अगर आप नए वीज़े पे आने वाले भी हों तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें कि जब भी आप लोग छुट्टी जाएं, री एंट्री वीज़ा लेकर के जाएं, जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं यहाँ पे मेरे भाई लोग जो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अजब गजब जो है अपडेट है। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम होगा तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया आपके लिए आना भी बहुत मुश्किल हो जाए। तो जब भी यहाँ से आप जाएं, तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपको कम से कम 6 महीना तक वेट करना पड़ेगा। यानी कि आपका री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया है, फिर भी आप 6 महीना वहाँ पे वेट कर लें। जब 6 महीने बाद आपका एकामा एक्सपायर हो जाता है, या फिर इवन नहीं भी होता है, एकामा 6 महीने बाद कैंसिल कर दिया जाता है, तो फिर आप न्यू वीज़े पर आ सकते हैं। अगर आप पहले आने की कोशिश करेंगे तो आपके कफील के पास आपका राइट है कि वो आपका री एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड कर सकता है। दूसरी बात, अगर वो एक्सटेंड भी नहीं करता है, आपका लगा हुआ है, मतलब री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो भी आपको 6 महीने तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपका कफील पीछे से फाइनल एग्जिट आपके लिए अप्लाई कर देता है, तो आप कभी भी न्यू वीज़े पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो रूल है, ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर के लिए है। कॉमर्शियल वर्कर का जो रूल पहले था, वही अभी भी है कि कोई भी कॉमर्शियल वर्कर अगर यहाँ से छुट्टी पे जाता है, री एंट्री वीज़े के साथ जाता है, तो उसका री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया
उसके बाद वो कभी भी आ सकता है, चाहे उसका इकामा वैलिड हो चाहे वो एक्सपायर हो चुका हो। तो इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया, डोमेस्टिक वर्कर और कमर्शियल वर्कर, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाए और वो कमेंट में पूछें कि भाई मेरा तो ये मसला है। इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ को इसमें क्लियर कर दिया कि डोमेस्टिक वर्कर के लिए अलग कानून है जो कि चेंज हो चुका है, जो मैंने आपको बता दिया, और कमर्शियल वर्कर के लिए सेम कानून है जो पहले हो चुका था चेंज, वही अभी भी है, इसमें कोई तरह का तब्दीली नहीं आया है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मुझे आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाई लोग जो यहाँ से छुट्टी जाते हैं उनको इस चीज़ का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो सऊदी अरब आएँ तो उनको कोई परेशानी ना हो। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर ले, ताकि सऊदी से जुड़ी और घर से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट हद तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए